तीन महीने से आप तनख्वाह रोके हुए हैं, क्यों पढ़ाता नहीं है, क्यों दे? तो पढ़ाता नहीं है तो बर्खास्त कर दीजिए, दूसरा रोजगार करेगा वो, आप काम भी लीजिएगा, उसको पैसे नहीं दीजिएगा तो क्या उसकी बीवी बाल बच्चे मरे? मैं जानना चाहता हूं क्या आप बच्चे को मारना चाहते हैं? कौन दोषी है? एग्जाम के समय जबरदस्ती ठूस के आपने समस्तीपुर में गरीब बच्चे को मार दिया, वित्तरहित कॉलेज वाले आज तक उसको आपने, आप पहले वित्तरहित कॉलेज वाले को आप प्रमाणित करिए, है हिम्मत, है आपकी औकात, करिए। स्कूल में जाकर जबरदस्ती डराना, जीडी कॉलेज बेगूसराय में 38,000 स्टूडेंट एक कॉलेज में, पाठक साहब ये भी तो सस्ती लोकप्रियता की ओर क्यों भाग रहे हैं? बड़ी मछली को पकड़िए ना के पाठक साहब, एको हम दूतियों नास्ती, हम ही ईमानदार सब बेईमान। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम बेईमान है, सिस्टम बेईमान है, पॉलिटिशियन लगभग 90% लोग गलत तरीके से जाति उन्माद हिंदू मुसलमान पैसा के बदौलत चुनाव जीतते हैं, लेकिन आप ईमानदार हैं। ईमानदार का मतलब क्या होता है? बच्चे कोचिंग आधार बन गया है, आपके स्कूल कॉलेज में कोचिंग की कोई व्यवस्था है? लगभग 1200 स्टूडेंट पर एक प्रोफेसर है, आप जो प्रोफेसर को पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं वो पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन 1200 स्टूडेंट पर एक प्रोफेसर, ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन किसको किसको पढ़ा? एक क्लास में 400-400, 300-300 बच्चे को पढ़ाए जाते हैं खड़े होकर के, अरबों खरबों रुपया कमाया जाता है, कुकुर मुत्ते के तरह कोचिंग है, लेकिन अहंकार में नहीं, कानून में रह करके काम करिए। 38,000 जीडी कॉलेज बेगूसराय का क्या जवाब है आपके पास? के पाठक जी को एक सलाह देना चाहता है, के पाठक साहब, एको हम दूतियो नास्ती, हम ही ईमानदार सब बेईमान। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम बेईमान है, सिस्टम बेईमान है, पॉलिटिशियन लगभग 90% लोग गलत तरीके से जाति उन्माद हिंदू मुसलमान पैसा के बदौलत चुनाव जीतते हैं, लेकिन आप ईमानदार हैं। ईमानदार का मतलब क्या होता है? संविधान और कानून के दायरे में काम करना। आप संविधान और कानून से ऊपर नहीं हैं, संविधान और कानून जो कहता है आपको उसके तहत काम करना चाहिए। पहला, आप निश्चित रूप से प्राइवेट कोचिंग पर अंकुश लगनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चे कोचिंग आधार बन गया है, आपके स्कूल कॉलेज में कोचिंग की कोई व्यवस्था है? लगभग 1200 स्टूडेंट पर एक प्रोफेसर है, आप जो प्रोफेसर को पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं वो पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन 1200 स्टूडेंट पर एक प्रोफेसर, ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन किसको किसको पढ़ा? दूसरी चीज, एक कॉलेज में 18,000, कहां गए यूनिवर्सिटी अध्यक्ष कुणाल पांडे? एक कॉलेज में 18,000, 18,000 एक कॉलेज में स्टूडेंट है, और 4,000-3,000 का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 4,000-3,000 स्टूडेंट बाहर में रह करके खड़े होकर के पढ़ते हैं, खड़े होकर। मैं जानना चाहता हूं क्या आप बच्चे को मारना चाहते हैं? कौन दोषी है? एग्जाम के समय जबरदस्ती ठूस के आपने समस्तीपुर में गरीब बच्चे को मार दिया, समस्तीपुर में मौत हो गई है, कौन दोषी है? आप गवर्नमेंट के कैलेंडर से चलिएगा क्या? आप अपना कैलेंडर बनाइएगा छुट्टी का, गवर्नमेंट का कैलेंडर लागू हो और गवर्नमेंट इस पर भी क्यों रोकती नहीं है इन्हें? आप टीचर को मेंटल टॉर्चर कीजिएगा तो वो पढ़ाएगा कैसे? 3 महीने से आप तनख्वाह रोके हुए हैं, क्यों पढ़ाता नहीं है, क्यों दे?
तो पढ़ाता नहीं है तो बर्खास्त कर दीजिए, दूसरा रोजगार करेगा वो, आप काम भी लीजिएगा उसको पैसे नहीं दीजिएगा, तो क्या उसकी बीवी बाल बच्चे मरे? करिए ना नरेंद्र मोदी इस पर। 67% डॉक्टर नहीं है पाठक जी, लैब नहीं है कॉलेजों में। 10,000 स्टूडेंट के लिए केवल मात्र 20 कमरे हैं, मात्र 20 कमरा, जबकि कम से कम सेक्शन वाइज बातें की जाए तो 90 कमरे की जरूरत है सेक्शन वाइज। पूरे कमरे में पाठक जी जवाब दे दीजिए, सभी महाविद्यालय में स्पोर्ट्स एवं कल्चर की सुविधा नहीं है, जिससे बहुत बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक दो महाविद्यालय का छोड़कर लगभग किसी महाविद्यालय में हॉस्टल की सुविधा नहीं है, और जिसमें है उसका अनुपात बहुत कम है, जिसमें सभी छात्र महंगा जगह पर रेंट लेकर के रहता है। हम चैलेंज करते हैं आपको, आप स्टूडेंट बाहर ना रहे इसके लिए हॉस्टल का निर्माण करिए और एक सेक्शन में 90 बनाने की बात करिए। शिक्षा विभाग बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के 75% उपस्थिति कैसे करवाएंगे, कैसे पढ़ेंगे और उसका विकास कैसे होगा? हमारे यूनिवर्सिटी अध्यक्ष यहां बैठे हैं, एक मारवाड़ी कॉलेज में 18,000 ना, कहां 12,000 20 कमरा मात्र। जीडी कॉलेज बेगूसराय में 38,000 स्टूडेंट एक कॉलेज में। पाठक साहब ये भी तो सस्ती लोकप्रियता की ओर क्यों भाग रहे हैं? बड़ी मछली को पकड़िए ना। सारे नेताओं के स्कूल कॉलेज है उसको पकड़िए ना। नेता आपको नहीं दिख रहा है कि कौन रूल फॉलो कर रहा है? स्कूल कॉलेज होना दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? सारे पदाधिकारी के स्कूल कॉलेज हैं। कहावत है, वो उस नाम नहीं लेंगे, भैया से न जीती था भौजी के, वो बात नहीं करेंगे हम। वही हाल आपका है, आप अच्छा काम करिए। पप्पू यादव आपके साथ खड़ा है प्राइवेट कोचिंग के सवाल पर, लेकिन कोचिंग की शुरुआत किए बगैर नहीं। एक कोचिंग में, एक क्लास में 400-300 बच्चे को पढ़ाया जाता है खड़े होकर के, अरबों खरबों रुपया कमाया जाता है। कुकुर मुत्ते के तरह कोचिंग है, लेकिन अहंकार में नहीं, कानून में रह करके काम करिए। 38,000 जीडी कॉलेज बेगूसराय का क्या जवाब है आपके पास, जब आपके पास 1,000 बच्चों के लिए क्लास नहीं है तो आप कैसे 75% आप बात करिएगा? बच्चे को आत्महत्या पर मजबूर मत करिए। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं और टीचर पर जबरदस्ती अपना डंटा मत चलाइए। आपसे इसीलिए टीचर डरता है कि दोबारा वो नौकरी नहीं पा सकता है, अन्यथा ये गलत है। जो टीचर वित्तरहित कॉलेज वाले आज तक उसको आपने, आप पहले वित्तरहित कॉलेज वाले को आप प्रमाणित करिए। है हिम्मत, है आपकी औकात, करिए। स्कूल में जाकर जबरदस्ती डराना, जाइए आप, लेकिन आप पहले ऊपर से झाड़ू दीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, हॉस्टल दीजिए, लैब दीजिए, 100% में 90% प्रोफेसर दीजिए। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करते हैं,
नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान मियां हिंदू से कुछ नहीं होगा, सिविल लॉ से कुछ नहीं होगा। और यदि आपने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टूडेंट पर आपने दबाव बनाया तो पप्पू यादव आपके खिलाफ सड़कों पर होगा। धन्यवाद।